सभी ने एक खबर तो ज़रूर पढ़ी या सुनी होगी, वो खबर है पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा, जिसके बाद लोगों ने मालदीव और लक्षद्वीप का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है, इंडिया के पीएम गए हैं तो लक्षद्वीप को ही ज़्यादा महत्व मिलना था। और कंपैरिजन के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, और एक समय पर सोशल मीडिया एक्स पर भी बॉयकॉट मालदीव हैशटैग ट्रेंड करने लगा था, जिसके बाद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को बीच में आना पड़ा, जो कि उनको बहुत भारी पड़ा था। मालदीव की टूरिज्म रेट गिरती जा रही थी, जिसके बाद अब मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बहिष्कार को लेकर चिंता जताई है, साथ ही कहा है इससे देश के पर्यटन पर असर पड़ा है। मोहम्मद नशीद ने मालदीव के लोगों की ओर से भारतीयों से माफ़ी मांगी और कहा कि वो चाहते हैं कि भारतीय पर्यटक उनके देश में आते रहे। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद चल रहा है। इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव पर भारत के बहिष्कार के आह्वान के बारे में जताई। उन्होंने कहा कि इसका उनके देश के पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ रहा है। उन्होंने मालदीव के लोगों की ओर से माफ़ी भी मांगी। बता दें कि नशीद इस वक्त भारत में ही है। उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव के बारे में मीडिया से बात की और कहा कि मालदीव के लोगों को माफ़ करना। मीडिया बातचीत में उन्होंने कहा कि बहिष्कार ने मालदीव पर बहुत प्रभाव डाला है और मैं वास्तव में इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे और मालदीव के लोगों को इसका खेद है। समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ने मीडिया से कहा, मैं अपनी छुट्टियों पर मालदीव आऊँगा और हमारे अतिथियों में कोई बदलाव नहीं होगा। पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और कहा, मैं कल रात प्रधानमंत्री से मिला, पीएम मोदी ने हम सभी को शुभकामनाएं दी। मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा समर्थक हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहिष्कार के लिए जिम्मेदार लोगों को हटाने में वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की भी सराहना की। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, मुझे लगता है कि इन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए और हमें रास्ता बदलकर अपने सामान्य रिश्ते की ओर लौटना चाहिए। ऐतिहासिक संबंधों पर भी विचार करते हुए नशीद ने पिछली चुनौतियों के दौरान भारत की जिम्मेदारी, रवैया और व्यवहार को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब मालदीव के राष्ट्रपति चाहते थे कि भारतीय सैन्यकर्मी चले जाएं, तो आप जानते हैं कि भारत ने क्या किया। उन्होंने अपनी बाहें नहीं मोड़ी, उन्होंने ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मालदीव की सरकार से बस इतना ही कहा, ठीक है, आइए इस पर चर्चा करें। नशीद ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से डॉर्नियर उड़ान और हेलीकॉप्टर पर बातचीत बंद करने का भी आग्रह किया और कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति मुइजू ने ये चर्चाएं की। मैं उन्हें फ़ोन करूंगा कि कृपया डॉर्नियर उड़ान और हेलीकॉप्टरों पर इन चर्चाओं को रोकें। चीन समर्थक नेता के रूप में देखे जाने वाले मुइजू ने नवंबर में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कहा था कि वो अपने देश से सभी भारतीय सैन्य कर्मियों को निष्कासित करने के अपने चुनाव वादे को निभाएंगे।